To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. चैनल वर्सेटाइल आशुतोष, आज हम देखने जा रहे हैं एक वॉल्यूम बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में देखने जा रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हम अगर बात करें वॉल्यूम की, तो जब भी प्राइस अगर बढ़ने वाली है उससे पहले जो है वॉल्यूम उसके बारे में काफी कुछ हमें कहता है। ठीक है, अगर प्राइस घटने वाली है तो उसके पहले हमें मतलब वॉल्यूम जो है प्राइस बढ़ने और घटने के पहले वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर हमें वॉल्यूम देख पा रहे हैं, हमके वॉल्यूम पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम का प्रेशर किधर है, पॉजिटिव वॉल्यूम का प्रेशर है या नेगेटिव वॉल्यूम का प्रेशर है, अगर वो प्रेशर हम पता कर पाएंगे तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किधर प्राइस जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें क्या देखने जा रहे हैं आज। तो हम देखने जा रहे हैं आज ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक टेक्निकल इंडिकेटर है, मेजर द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एज ए क्यूमुलेटिव इंडिकेटर that add volume on up days and subtract volume on down days. When the security close, इसका मतलब क्या हुआ? When the security close higher than the previous close, मतलब previous close से ऊपर की ओर हमारा security close होती है, share हमारा close होता है. Of all days, volume is considered up volume. उस दिन का volume up volume consider करेंगे. When the security close lower than the previous close जो previous दिन का जो close था हमारा, उससे आज अगर हमारा सिक्योरिटी नीचे की ओर क्लोज होता है, देन ऑल द डेज वॉल्यूम इज कंसीडर्ड डाउन वॉल्यूम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो मैंने बता दिया आपको। कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है कि वॉल्यूम जो है एक्चुअली में जो ओल्ड मेलेस वॉल्यूम जो है, ये एक तरीके से हमें वॉल्यूम का प्रेशर बताता है कि भाई पॉजिटिव वॉल्यूम का प्रेशर है या नेगेटिव वॉल्यूम का प्रेशर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द डेज वॉल्यूम। तो अब कैसे इसका कैलकुलेशन क्या है, इफ द टुडेज वॉल्यूम टुडेज क्लोज इज ग्रेटर देन यस्टरडे क्लोज, मतलब आज का जो क्लोजिंग है हमारा, अगर आज का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर है, मतलब हमारा पॉजिटिव कैंडल बना है, पॉजिटिव कैंडल बना है ना, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो यस्टरडे का जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो भी रहेगा उससे पहले का, उसमें आज का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, एड कर देंगे। ठीक है, इफ द टुडेज क्लोज इज लेस देन द यस्टरडे क्लोज, अगर यस्टरडे के क्लोज से आज का क्लोज नीचे की ओर रहता है, मतलब नेगेटिव क्लोज हुआ है, नीचे की ओर क्लोज हुआ है, देन क्या होगा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम यस्टरडे ऑन बैलेंस वॉल्यूम माइनस टुडेज वॉल्यूम, टुडे वॉल्यूम को जो है उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर वो बराबर रहता है आज का क्लोज और प्रीवियस क्लोज के बराबर रहता है तो फिर उसमें हम एड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं पहले इसको, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ₹50 शेयर की प्राइस थी। ठीक है, ₹50 था और दूसरे दिन हमने देखा ₹55 हो गया उस दिन। अब प्रीवियस का वॉल्यूम कितना था हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ से चालू कर रहे हैं कि जैसे ₹55 हो गया और आज वॉल्यूम कितना है हमारा, 8000 आज वॉल्यूम आया। ठीक है, तो अब ये वॉल्यूम को हमने क्या कर लिया, प्लस कर दिया। अब उस मान लीजिए अगले दिन फिर अगर नेक्स्ट डे हम गए तो 56 हो गया, मतलब ऊपर की ओर क्लोज हुई हमारा, क्लोजिंग प्राइस जो है ऊपर की ओर क्लोज हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 9000 वॉल्यूम आया, उसको एड कर दिया, फिर क्या 56 से जो है 60 की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, 7000 वॉल्यूम आया, उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एड कर दिया। पर आप देखिए 4th-5th अप्रैल को क्या हुआ, एक मिनट, मैंने यहाँ पर जो है अप्रैल लिखना था, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नेक्स्ट डे देख रहे हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे आप 60 से क्या गया, 58 गया। ठीक है, 60 की जगह या फिर 58 गया, मतलब नीचे की ओर क्लोज हुआ, नीचे की ओर क्लोज हुआ, तो उससे क्या हुआ, उस दिन वॉल्यूम कितना है, 9000। तो 9000 वॉल्यूम को हम जो प्रीवियस वॉल्यूम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है बनता है, उसका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर जो है ये 5th अप्रैल है, बट मैं यहाँ पे अप्रैल की जगह जो हो गया मई हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है किसने डेवलप किया है, जॉन ग्रेनविले ने। तो इन्होंने पूरा जो है रिसर्च किया इसके ऊपर, और चार्टिस्ट कैन लुक फॉर द डाइवर्जेंस, इन्होंने खुद रिसर्च करने के बाद बोला है, और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने भी इसको काफी बार टेस्ट किया है, देखा है और वर्क किया है, और स्पेशली जो इन्होंने बोला डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस में ही अच्छा वर्क करता है, बाकी तो क्या हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डाइवर्जेंस के ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया इनके रिसर्च पे, तो वही मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। चार्टिस्ट कैन लुक फॉर डाइवर्जेंस बिटवीन ऑन बैलेंस वॉल्यूम एंड प्राइस टू प्रेडिक्ट द प्राइस मूवमेंट, आर यूज ऑन बैलेंस वॉल्यूम टू कन्फर्म प्राइस ट्रेंड। ठीक है, ग्रेनविले थ्योरेटाइज दैट प्राइस प्रेसीड वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है प्राइस प्रसीड वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम राइज व्हेन द वॉल्यूम ऑन अप डेज आउटपेस द वॉल्यूम ऑन डाउन डेज, मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमारा बढ़ता है जब क्या होता है, हमारी क्लोजिंग ऊपर की ओर हमारा मार्केट क्लोज होता जाता है, तो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये सब तो देख लिया हमने, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे,
यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए अलग अलग इसका जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, समझ लीजिए, फिर हम इसको चार्ट में देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऑन बैलेंस जो कि हमें जो ग्रैंड विले ने बताया कि ये जो है डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम टू कंफर्म द प्राइस ट्रेंड। तो प्राइस ट्रेंड कंफर्म करने के लिए मतलब कि क्या हुआ कि व्हेन द प्राइस एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम मेकिंग द हाई राइज, दोनों अगर साथ में हाई राइज बना रहे हैं, लोअर लोज बना रहे हैं, मतलब कि वो जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं, उसका मतलब अप ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। सीधी बात है, व्हेन द बोथ प्राइस एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगातार नीचे की ओर दोनों साथ में जा रहे हैं, लोअर हाइज बना रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं, द डाउन ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग द रेंज बाउंड मार्केट, जब मार्केट हमारा क्या रहता है, रेंज बाउंड मार्केट रहता है, इफ द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज राइजिंग, अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम राइज कर रहा है, ये ऊपर की बातों में तो ठीक है, बट ये नीचे के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद वाले कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द रेंज बाउंड, अगर मार्केट हमारा रेंज बाउंड चल रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमारा राइज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या, वो एक्युमुलेशन में भी टेकिंग प्लेस, एक्युमुलेशन होने की संभावना है वहां पर, एंड वार्निंग हमें दे रहा है वो कि अपवर्ड ब्रेकआउट, ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो सकता है। ड्यूरिंग द रेंज बाउंड मार्केट इफ द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज फॉलिंग, अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम अगर गिर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेकिंग प्लेस, अभी हमें जो अलर्ट कर रहा है कि डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो सकता है। अब जो लास्ट है हमारा कि व्हेन द प्राइस कंटिन्यू टू मेक हायर हाइज, अगर प्राइस जो हमारा कंटिन्यू टू हायर हाई बना रहा है बट ऑन बैलेंस वॉल्यूम फेल टू मेक हायर हाई, मतलब ये हायर हाई बना रहा है बट ये हायर हाई नहीं बना रहा है, ये इसके अपोजिट चल रहा है, जो कि मैं अब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ये अपोजिट चल रहा था, अपवर्ड ट्रेंड इज लाइकली टू फेड अप, अपवर्ड ट्रेंड जो है वो फेड अप होने जा रहा है, फेल, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। एंड व्हेन द प्राइस कंटिन्यू टू मेक लोअर लो, प्राइस कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम फेल टू मेक लोअर लो एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इज लाइकली टू फेड, मतलब वो लोअर लो नहीं बना रहा है हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम, क्या ऊपर की ओर चल रहा है, ये हायर हाई बना रहा है। तो इस तरह से अगर हम अपोजिट चलेंगे, अगर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस। तो यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड इज लाइकली टू फेड एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब कैसे हो रहा है हम चार्ट में देखते हैं। अगर डाइवर्जेंस के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंप्लीट डाइवर्जेंस के बारे में समझाया हुआ, आप आरएसआई का एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ये वाला वीडियो देखिए आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में डाइवर्जेंस एंड फेलियर स्विंग, इसमें अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इसमें डाइवर्जेंस अगर आपको नहीं पता है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब चार्ट ओपन कर लिया है, अब चार्ट ओपन कर लिया है, अब हमें जैसा कि ग्रेन व्हील ने बोला डाइवर्जेंस अच्छा काम करता है, तो ये रिसेंट का भी चार्ट है टीसीएस का। तो रिसेंट का चार्ट में हम देखते हैं कि पहले तो मैं जो है इसको हमेशा यूज करना है किसी ट्रेंड लाइन के साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रेंड लाइन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, ये देखो मैं ट्रेंड लाइन बने 1 2 3, ये 3 पॉइंट को जब भी 3 पॉइंट हमें जब भी मिलेंगे तभी हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये प्राइस हमारी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हमारा जा रहा है। ठीक है, अब ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है हमारा किस तरह से काम करेगा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम को जैसे हमने लगाया तो आप नोटिस करिएगा, ये हमने लगाया यहाँ पर, तो आप नोटिस करिएगा यहाँ पर कि एक मिनट, अभी देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर देखिए जो है ये कंटिन्यूसली जो है ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है और ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है, मतलब हमारा जो है पॉजिटिव हमारा जो है जो वॉल्यूम का प्रेशर है वो नेगेटिव वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा है, तो नेगेटिव वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम लगातार जो है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम कमजोर है, नेगेटिव वॉल्यूम का प्रेशर हमारा ज्यादा है, तो हमें ये दिख रहा है कि जो ट्रेंड भले ही हमें जाता है ऊपर दिख रहा है, ये हमें जो है ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है बट ये हमें नीचे की ओर जो है हमें नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम हमारा कमजोर होता जा रहा है, तो ये हमें दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस है, जो प्राइस है, प्राइस कहीं भी किसी भी समय ये ब्रेकआउट हो सकती है, नीचे की ओर जा सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये जब भी ऐसा डाइवर्जेंस अगर आपको देखने को मिलता है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रही है बट हमारा जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है घटता जा रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमारा घटता जा रहा है, तो ये हमें दिखा रहा है कि ये जो है एक हमारा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आने की संभावना बढ़ जाती है।
तो इस तरीके से हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम का इस्तेमाल कभी भी किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल हम अकेले नहीं करेंगे। अगर आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर ये वीडियो है, बट इसके साथ में हम दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो भी है फिबोनैसी, किसी भी चीज़ को हम लेकर लेने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी सिंगल एक इंडिकेटर के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है। और एक्चुअली ये कोई सा भी इंडिकेटर हो, एक्चुअली में ये क्या है, सारे इंडिकेटर मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए ये हमने, इसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी कि भैया वॉल्यूम जो नीचे की ओर, तो इस इन्फॉर्मेशन का हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे इंडिकेटर अपना अपना वर्क करते हैं, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या होता है ये समझ में आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।